दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जब हम अपने डैशबोर्ड में अपने ट्यूबडी या फिर वेड आईक्यू एप्लीकेशन है जिसमें हम टैग को या फिर अपने वीडियो के सर्च जो है जो डिटेल होते हैं उसे हम या फिर कौन सा मेरा टैग रैंक कर रहा है नहीं रैंक कर रहा है सभी कुछ हम अपने ट्यूबडी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने कंप्यूटर स्क्रीन में कैसे यहाँ पर ट्यूबडी एप्लीकेशन जो है इसे आप ऐड कर सकते हैं, हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके और यहाँ पर मैं रिमूव कर दूंगा। तो ऑटोमेटिक से देखिए हमारे स्क्रीन से दोस्तों यहाँ पर ये ऑटोमेटिक से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर ये हट गया है। अब दोस्तों, इसे मैं कैसे यहाँ पर ऐड करूँगा सबसे बारीकी तरीके से अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सीधी सी बात है कि आपको ट्यूबडी एप्लीकेशन पर इस तरह से चल जाना है और यहाँ पर ट्यूबडी एप्लीकेशन को गूगल में सर्च करके आएंगे तो आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड क्रोम पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्रोम करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक से आपको ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको एड यहाँ पर शो डिटेल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ कैंसिल के साइड में आपको एड एड रिएक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक से दोस्तों यहाँ पर चेकिंग करेगा और आपका जो है यहाँ पर ट्यूबडी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिक से आपकी स्क्रीन पर इस तरह से आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। अब दोस्तों, यहाँ पर वेलकम टू ट्यूबडी आ गया है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपना जो अकाउंट है उसे साइन इन करेंगे या फिर ऐड चैनल कर देंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल से आपको ऐड चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको उस जीमेल को क्रिएट करना है जिसमें आपका चैनल पर इसको ऐड करना है, जो कि आपका चैनल में ऐड होगा। तो आपको साइन इन विथ गूगल पर क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जिसमें जो भी चैनल होगा तो उस पर क्लिक कर लेंगे कि मेरा ये चैनल है, तो मैं इस पर क्लिक करके और इसमें देखिए ऑटोमेटिक से दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ऑटोमेटिक से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जो कि सभी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपल से आप यहाँ पर आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा जो है ऑटोमेटिक से यहाँ पर ये डैशबोर्ड में आपको F5 करके यहाँ पर दिखा सकते हैं कि मैंने इस पेज को रिफ्रेश कर दिया, फिर भी यहाँ पर देखिए शो हो रहा है। अब इस तरह से दोस्तों इसकी मतलब कि इसे यूज करने का तरीका दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर यूट्यूब में आ जाना है, इसका सर्च करने का तरीका देख सकते हैं, इसके इसमें यूज ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वीडियोज है, मैं इस वीडियोज को यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इस एग्जाम्पल के लिए मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस वीडियो को प्ले कर दिया है, तो इस वीडियो का यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो का डिटेल, यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे चीज आपको यहाँ पर डिटेल में बताएगा, इस वीडियो को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर ट्यूबडी एप्लीकेशन को आप आसान तरीके से अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।